दिल्ली एनसीआर में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में थोड़ा सुधार नजर आया। मंगलवार को AQI 400 से ज्यादा था, लेकिन बुधवार सुबह ये घटकर 382 पर पहुंच चुका है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली SAFAR के मुताबिक पराली जलने से होने वाले प्रदूषण में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर की सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मिलकर इन नावों को कामों पर लगाया है, जो कि दो दो नाव के बीच रस्सी बांधकर झाग को हटाने का काम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली सरकार यमुना प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि BJP ने इन आरोपों को निराधार बताया है और दिल्ली सरकार पर घाटों को साफ न कराने और यमुना नदी की सफाई पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। इधर छठ के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यमुना नदी से झाग हटाने के लिए 15 नावों को काम पर लगाया है। SAFAR के मुताबिक बीते एक हफ्ते में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार के दिन दिल्ली की हवा में पराली के प्रदूषण की हिस्सेदारी 27% के लगभग रही।